हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स डिफरेंशिएशन अवकलन नामक चैप्टर में एक्सरसाइज 5.7 के कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। इसके पहले आप लोग 5.6 कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। अब तक हम लोग प्रथम कोटि का अवकलन पढ़ रहे थे, अब हमको द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए कि द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात कैसे होता है। उसको कहते हैं कि d2y/dx2 या d2y/dx2 कैसे। तो सबसे पहले जैसे आप लोग लगाते थे वही रूल लगाइए, बहुत कठिन नहीं है, अभी इसको समझेंगे अपने आप आ जाएगा। देखिए, यह ध्यान से देखेंगे कि दाहिने पक्ष में आपका x है, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप लोग लिख लेंगे तो d dx जिसके सापेक्ष करते हैं वही बटे में आता है। यहाँ पर y लिखा है, अब इसमें इन दोनों में अवकलन होगा तो d dx ऑफ x का क्यूब प्लस d dx ऑफ tan x। अभी देखिए, अब प्रथम कोटि का अवकलन हो रहा है, अब आ जाएगा dy/dx बराबर। अब इसका अवकलन जानते हैं कि घात वाला पहले घात में कम होता है, तो घात वाला घात में कौन है, 3 पहले चला आएगा और घात में जितना लिखा है उसमें 1 कम कर दीजिए, अवकलन हो गया। जैसे ही अवकलन कंप्लीट, ddx हट जाता है, फिर प्लस। अब आपको पता है कि ddx ऑफ tan x का अवकलन होता है sec2x होता है, ठीक है। तो आपका यह फर्स्ट यानी प्रथम कोटि का अवकलन कंप्लीट, लेकिन हमको द्वितीय कोटि का अवकलन करना है। जितनी कोटि का कहेगा उतना बार आपको अवकलन करना होगा। प्रथम कोटि का हो गया, अब द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करने के लिए लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी दाहिने पक्ष में x है तो पुनः अवकलन करिए। जैसे रूल वही लगेगा, ddx x के सापेक्ष करेंगे तो ddx आप यहां पर क्या लिखा गया है dy/dx बराबर इन सब दोनों में भी होगा तो ddx आप किसके लिए होगा 3x² + ddx ऑफ sec²x। यहां तक कंप्लीट हुआ, अब ध्यान से देखिए। अब अवकलन कर लिए, देखिए d कितनी बार, यहां पर d और d मिलकर d² हो जाएगा और बगल में क्या है y, बटे यहां पर dx है dx का होल स्क्वायर होगा, यानी इसको dx² ही केवल कहेंगे, ठीक है। अब बराबर में देखिए, संख्या का अवकलन नहीं होगा, 3 तो कांस्टेंट है, यह बाहर आएगा, केवल किसका होगा x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, केवल 2x, फिर बीच में प्लस है। अब sec²x का अवकलन तो हम लोग जानते नहीं है, फॉर्मूला भी इसका नहीं है, तो इसका एक रूल है, घात का क्वेश्चन है तो घात वाला पहले चलाएगा। मान लीजिए कि यह x लिखा गया है, ऐसा समझिए कि sec²x को x समझिए, x का स्क्वायर है तो घात वाला कहाँ आएगा, पहले। अब घात में जितना लिखा उसमें 1 कम हो जाएगा, यानी sec(x) आ जाएगा, घात में 2 था पहले आया, 2 में 1 कम कर देंगे तो इसकी घात 1 यानी sec(x) ही पढ़ेंगे। अब x के जगह क्या है, sec(x) है तो उसका एक बार फिर से क्या होगा, अवकलन। तो ddx ऑफ sec(x) का अवकलन क्या होता है, sec(x)/tan(x) होता है, ठीक है। तो आ जाएगा आपका d2y/dx2 बराबर 3 × 2 = 6x + 2 sec(x) / sec(x) / sec²x और बगल में क्या है, tan x। यह द्वितीय कोटि का अवकलन कहा होता। अगर यहाँ पर dqy यानी तृतीय कोटि का अवकलन कहा होता तो आप लोग फिर से एक बार x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा 39वां है कि y = a sin x + b cos x, तो सिद्ध कीजिए कि d2y/dx² + y = 0, ठीक है। तो आप लोग को इसमें ध्यान से देखना है कि हमको द्वितीय जो सिद्ध करना है उसमें कितनी कोटि का अवकलन करना है, द्वितीय कोटि का। तो द्वितीय कोटि का अवकलन इसके लिए करते हैं, जो मेन प्रश्न होता है उसको आपको मानना है इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो डायरेक्टली अवकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष होगा तो ddx ऑफ y / dy/dx बराबर, ए तो कांस्टेंट है, इसका अवकलन होगा नहीं, साइन x का अवकलन क्या होगा, cos x, आप लोग ddx लगा लीजिएगा, हम डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है। फिर प्लस b लिखा है, अब ddx ऑफ cos x का - sin x, तो प्लस की जगह आ जाएगा -sin x, इक्वेशन क्या हो गया आपका, सेकेंड, ठीक है। अब dy/dx के बाद हमको पुनः x के सापेक्ष अवकलन करना है, लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d2y/dx2 आ जाएगा, और पुनः अवकलन हमेशा अवकलन वाले का ही होता है, ठीक है। तो d2y/dx2 बराबर a रहेगा, cos x का अवकलन होता है -sin x, फिर बीच में -b, sin x का अवकलन क्या होगा, cos x, इक्वेशन सेकंड थर्ड हो गया हमारा। अब देखिए, द्वितीय कोटि का अवकलन कंप्लीट हो चुका है, अब हमको जो सिद्ध करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका, d2y/dx² + y, यही लेफ्ट हैंड साइड में है, और राइट में हमको बराबर 0 सिद्ध करना है, तो
तो चलिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स, फिर बीच में प्लस वाई लिखा है। अब वाई का मान देखिए समीकरण एक में है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब देखिए प्लस माइनस सब कैंसिल हो गए तो बराबर क्या आ गया जीरो, हमारा प्रूफ होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 40वां हमारा है y बराबर 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x। तो सिद्ध कीजिए कि d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5dy बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको जो मेन प्रश्न है उसको इक्वेशन फर्स्ट मानना है। अब डायरेक्टली हम अवकलन कर रहे हैं तो किसके सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष होगा। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर 3 कांस्टेंट, इसका अवकलन होगा नहीं। अब e की पावर 2x का e की पावर 2x होगा। अब लेकिन x की जगह 2x है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि d dx आप e की पावर x का e की पावर x अवकलन होता है, लेकिन यहाँ पर e की पावर x की जगह आपका e की पावर 2x है तो e की पावर 2x ही होगा, लेकिन x की जगह जो 2x है उसका एक बार फिर से होगा अवकलन। तो 2x का अवकलन क्या आएगा, 2 आएगा, प्लस यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, e की पावर 3x का भी 3x आएगा। अब 3x का एक बार फिर से अवकलन होगा, 3x का क्या आएगा, 3 आएगा, तो आ जाएगा डिवाइड बाय dx बराबर 2 का गुणा 3 में 6 e की पावर 2x प्लस 2 का गुणा 3 में 6 e की पावर 3। इक्वेशन क्या हो गया आपका सेकंड। अभी देखिए प्रथम कोटि का अवकलन हुआ, अब एक बार द्वितीय कोटि का अवकलन करने के लिए पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 6 कांस्टेंट है, इसका अवकलन होना ही है। तो e की पावर 2x का e की पावर 2x ही होगा और 2x का फिर से अवकलन क्या आएगा, 2 प्लस 6 रहेगा, e की पावर 3x का e की पावर 3x और 3x का अवकलन क्या आएगा, 3। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर अब 6 का गुणा 2 में 12 e की पावर 2x प्लस 6 × 3 = 18 e की पावर 3x। इक्वेशन क्या हो गया आपका थर्ड। अब देखिए हमको यहाँ तक फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट, लेकिन हमको जो सिद्ध करना है यहाँ पर दिया गया है उसको सिद्ध करना है। तो चलिए देखिए सिद्ध करते हैं, यहाँ पर हम इरेज कर रहे हैं प्रश्न को। हमको जो सिद्ध करना है डी स्क्वायर वाई, हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5dy बाई डी एक्स प्लस 6y, लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया हमने। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास दी गई है 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x हमने लिख दिया ठीक है ना, फिर बीच में क्या है माइनस 5 लिखा गया है और बगल में डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर है आपके पास 6 e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर 3x, फिर प्लस है 6 बगल में y। अब y की वैल्यू क्या थी आपके पास, y की वैल्यू 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x, यही तो था शायद ना। चलिए देखिए वैल्यू कंप्लीट करने के बाद हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, अब क्यों सरल कर लीजिए। चलिए देखिए 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x माइनस, अंदर गुणा करिए 5 का गुणा 6 में 30 e की पावर 2x माइनस 5 का गुणा प्लस 6 में माइनस 5 6 30 e की पावर 3x प्लस 6 × 3 = 18 e की पावर 2x प्लस 6 × 2 = 12 e की पावर 3x। अब देखिए आपके पास e की पावर 2x यहाँ पर प्लस में है, e की पावर 2x ये भी प्लस में है, 18 और 12 मिलकर क्या हो जाएगा 30 e की पावर 2x। अब e की पावर 3x देखिए यहाँ पर भी प्लस में है, e की पावर 3x ये भी प्लस में है, यह 12 या 18 ये भी मिलकर क्या हो जाएगा 30 e की पावर 3x। अब बचा क्या क्या, माइनस 30 e की पावर 2x बचा है और माइनस 30 e की पावर 3x बचा है। अब वैल्यू बराबर दिख रहा है, माइनस प्लस कैंसिल होकर क्या आया जी, यही हमको प्रूफ। हमारा लास्ट एग्जांपल से 41वां, यदि y बराबर साइन इनवर्स x तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस x स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर जीरो प्रूफ करना है। इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ठीक है। तो जो मेन प्रश्न है उसको इक्वेशन क्या मानना है आपको फर्स्ट, अब इसी का अवकलन करेंगे जो प्रश्न है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो dy by dx बराबर d dx ऑफ sin इनवर्स x, और sin इनवर्स x का अवकलन पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर ठीक है। इक्वेशन हो गया आपका सेकंड। अब यह तो प्रथम कोटि का, अभी हमको इसमें द्वितीय कोटि का भी अवकलन लाना है, तो एक बार फिर से अवकलन कर दीजिए x के सापेक्ष, तो d2y by dx2 आ जाएगा
यहाँ पर लिखा होगा डी डी एक्स, हम लिख नहीं रहे हैं, लिख लीजिएगा एक स्टेप में। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अंश और हर का। तो अंश और हर का फॉर्मूला क्या होता है, हर इंटू डी डी एक्स ऑफ अंश, अंश की जगह वन, माइनस अंश इंटू डी डी एक्स ऑफ हर, हर की जगह वन माइनस एक्स स्क्वायर, और बटे में हर का वर्ग, हर की जगह अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाएगा डी टू आई बाई डी एक्स टू बराबर, अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, डी डी एक्स ऑफ वन संख्या है, संख्या का अवकलन हमेशा क्या होता है जीरो, माइनस वन से कोई मतलब है नहीं, अंडर रूट का अवकलन क्या होता है वन बाई टू रूट में आता है। ठीक है, अंडर रूट का अवकलन क्या होता है वन बाई टू अंडर रूट में। अब अंडर रूट में वैल्यू अलग है तो उसका एक बार फिर से अवकलन, तो वन का जीरो और माइनस एक्स स्क्वायर का आएगा माइनस टू एक्स, और बटे में अंडर रूट का स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, केवल वन माइनस एक्स का स्क्वायर आएगा। तो सरल कर लीजिए, देखिए जीरो से कोई मतलब है नहीं, छोड़ देंगे, यह दो से यह दो कैंसिल, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस एक्स, और बटे में क्या है अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर है, और बटे में अभी एक चीज और बचा है वन माइनस एक्स स्क्वायर बचा है। ठीक है, तो दोनों वैल्यू प्राप्त हो गया, डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू प्राप्त हो गई और डी वाई बाई डी एक्स की। तो प्रूफ करना इसी में रख दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड लेके वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, लिख दीजिए, हो गया। बगल में डी टू वाई बाई डी एक्स टू है, अब डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू आपके पास यही है, लिख दीजिए भाई, एक्स बटे में अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर और कोष्टक में वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर बीच में माइनस एक्स है, बगल में डीवाई बाई डी एक्स, अब डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास है वन अपान अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यह इससे कैंसिल होता है वन माइनस एक्स स्क्वायर से वन माइनस एक्स स्क्वायर, बचा क्या एक्स बटे अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स इकन्ना एक्स बटे अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, यह प्लस में यह माइनस में ये भी दोनों कैंसिल होकर बराबर क्या आएगा जीरो आएगा। तो इस तरीके से भी आप लोग सिद्ध कर सकते हैं, नहीं तो एक ट्रिक और है सॉल्व करने के लिए, कई एग्जांपल्स जैसे बुक्स में भी देख लीजिएगा एग्जांपल्स किस तरह लगाया है, तो आप लोग को जो बेहतर लगे उसी प्रकार से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो आई होप यह सब क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन रहेगा वह नेक्स्ट डे बताया जाएगा। ठीक है।